फ्रेंड्स, मैं चंद्रकांता, GMHS सेक्टर 26 से आज आपको चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.6 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स करना सिखाऊंगी। इस एक्सरसाइज में बच्चे हमें तीन टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। टाइप 1 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स विथ होल नंबर होगा, जैसे कि 0.2 डेसिमल नंबर है और इसको यहाँ पे होल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। टाइप 2 में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। यहाँ पे देखो, डेसिमल नंबर को 10 से, यहाँ 100 से और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो रही है। ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी, ये हम आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सीखेंगे। टाइप 3 में हमारे पास क्वेश्चन होंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे देखो, इन दोनों जो नंबर हैं हमारे पास वो डेसिमल नंबर्स हैं। तो चलिए टाइप 1 का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.6 में फर्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 0.2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 0.2 इंटू 6 लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे, तो डेसिमल का डिनोमिनेटर में 1 लगता है और डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करेंगे, एक डिजिट है तो 1 के बाद एक ज़ीरो लिखेंगे और 6 को 6/1 करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2/10 इंटू 6/1। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे हमारे पास 12 आ गया। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 10 आ गया। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज काउंट करेंगे, यहाँ 1 के बाद सिर्फ एक ज़ीरो है, तो राइट मोस्ट डिजिट यहाँ से एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, 0.2 इंटू 6 लिखा है। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो 0.2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6। 2 6 द 12 होते हैं, तो हमने 12 लिख लिया। अब हम पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो यहाँ पे राइट साइड से, राइट मोस्ट डिजिट से एक डिजिट आगे हमारा पॉइंट लग जाएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। थर्ड पार्ट है 2.71 इंटू 5। सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, पॉइंट का 1, और डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट करेंगे। यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं, 2, तो 1 के बाद 2 ज़ीरोस लग जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे आ गया 271/100 इंटू 5। 5 के डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे, तो ये हमारा बन गया 5/1। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 271 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 1355 आ गया। तो 1355/ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करा तो 100 आ गया। अब बच्चे, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको फिर से हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोस काउंट करेंगे 1 के बाद। यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो राइट साइड से राइट मोस्ट डिजिट देखेंगे, ये राइट मोस्ट डिजिट है, इससे लेफ्ट की तरफ चलेंगे और 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट लग जाएगा। अब सेकंड मेथड से देखो, थोड़ी देर के लिए हम ये ज़ूम कर लेते हैं कि इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो ये 271 होगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 271 को जब 5 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 1355। अब इसमें हम पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट करेंगे, कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो हमारा राइट साइड से, राइट मोस्ट डिजिट से 2 डिजिट्स के आगे लेफ्ट की तरफ पॉइंट लग जाएगा। कितने डिजिट्स थे, 2, तो 2 डिजिट्स के आगे लेफ्ट की तरफ हमारा पॉइंट लग जाएगा।